जेके सीमेंट के द्वारा स्थापित इस नए सीमेंट संयंत्र के लोकार्पण कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल सागर जी, वाइस चेयरमैन जेके सीमेंट डॉक्टर निधिपति सिंघानिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राघव पत सिंघानिया जी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ श्री माधव कृष्ण सिंघानिया जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री अरुण शर्मा जी, प्रयागराज में उपस्थित मान्य विधायक श्री वाचस्पति जी, विनोद प्रजापति जी, अनुज खंडेलवाल जी, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में प्रयागराज में इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जेके सीमेंट के इस नए प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं प्रयागराज वासियों को, जेके सीमेंट प्रतिष्ठान को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता का अवसर है कि उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक समूह उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः अपना विश्वास की जड़ों को इस निवेश के माध्यम से गहरा करके करते हुए उत्तर प्रदेश को निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। जेके सीमेंट और सिंघानिया परिवार यह उत्तर प्रदेश का औद्योगिक समूह है। कतिपय कारणों से उत्तर प्रदेश के अंदर इनका विश्वास कम होकर के या अन्यत्र जाने की वो अग्रसर थे और ये चीजें हम सब महसूस करते थे कि कभी सिंघानिया परिवार कानपुर की पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने निवेश को समेटना प्रारंभ किया था। 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत पहले 3 वर्ष इन्हें समझने में लगे कि वास्तव में गवर्नमेंट जो कह रही है क्या उसके अनुरूप गवर्नमेंट का आचरण भी है और कथनी और करनी दोनों में समन्वय है या नहीं है, क्योंकि हमने उस समय इस बात को कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, बेमानी और भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। और जब परिणाम सामने आए, प्रदेश ने अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत जब कार्य करना प्रारंभ किया, तो देखते ही देखते पिछले 4 वर्ष के अंदर 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ अपने 3 सीमेंट प्लांट को जेके ग्रुप ने आज यूपी के अंदर लोकार्पित किया है। 2020 में अलीगढ़ में, 2022 में हमीरपुर में और 2024 में प्रयागराज में। मैं समूह को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि निवेश हमारे लिए केवल निवेश मात्र नहीं है,
यह निवेश यूपी के सपनों को एक नया पंख दे रहा है। यह निवेश हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी का एक समूह जो कभी कानपुर जैसे औद्योगिक नगर का पहचान की लेकिन विश्वास भंग होने के कारण वह अपने निवेश को समेट रहा था, यहां से प्लान करने की स्थिति में था, वह फिर से यूपी में आकर के निवेश किया है और उस निवेश को भी तीन अलग अलग स्थानों में करते हुए हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है और इस जिससे यह उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की हमारी जो नीति है उसको एक नई उड़ान के लिए पंख देने के समान है। हम लोग दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, हमारी नीतियां आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती हैं, हमारा तंत्र रखता है, लेकिन अगर हम अपने ही लोगों को संभाल के नहीं रख पाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारा निवेश हमारे लिए अनुकूल और लाभदायी हो पाएगा। और वह इस देश से हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि जीके सीमेंट और सिंघानिया परिवार फिर से यूपी के अंदर इस निवेश के साथ जुड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी ने पिछले 7 वर्ष के अंदर जो एक लंबी दूरी तय की है निवेश के लिए, निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे इज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या थी, हम 12वें स्थान पर थे, उससे एक वर्ष पहले यह 14वें स्थान पर था। अब मुझे बताइए जब इतनी प्रतिस्पर्धा हो और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें स्थान पर हो, आबादी में नंबर एक पर हो और व्यापार की सुगमता के लिए किए जाने वाले प्रयास में हमारा स्थान 12वें और 14वें स्थान पर होगा तो दुनिया का कोई भी निवेशक आपके पास नहीं आएगा। कानून व्यवस्था की दुर्व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी, हर तीसरे दिन दंगा होता था, धमकियां दी जाती थी, बिजनेसमैन को प्रताड़ित किया जाता था, एक एक फाइल के लिए उन्हें कई कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हम लोगों ने रिस्क लिए, रिफॉर्म किए, हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने उसको मजबूती के साथ लागू किया और आज परिणाम है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी न केवल दो पे बल्कि देश के अंदर अचीवर स्टेट में यूपी का स्थान है, मोस्ट अचीवर स्टेट के रूप में यूपी आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट कैसे होने हैं यह भी 2023 में यूपी ने देश के सामने साबित किया, क्योंकि उस समय मैं देख रहा था बहुत सारे निवेशक ऐसे थे जो कहते थे आप हमें विश्वास हो गया जितना आप कहेंगे हम यूपी के अंदर निवेश करने के लिए तैयार हैं, और 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव एक दिन में यूपी को प्राप्त होना, और अब तक जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं लगभग इनकी संख्या 40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत इसी वर्ष फरवरी में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को एक साथ ग्राउंड ब्रेकिंग किया, यानी लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावना वहां से बनती है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि हम भले चुनाव में व्यस्त थे लेकिन इस दौरान बहुत सारे हमारे निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग हुए, इकाइयों ने प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया। ये चीजें दिखाती है कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है और उसमें भी हम लोगों ने दोनों अपने यहां के स्थानीय उद्यमियों की भी, देश के उद्यमियों को भी, दुनिया के उद्यमियों को अपनी ओर पुनः आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है, एक शुभ लक्षण है।
और मैं खासतौर पर सिंघानिया ग्रुप को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जेके सीमेंट की तीसरी अपनी यूनिट यूपी के अंदर स्थापित की है। मुझे लगता है कि यूपी के अंदर सीमेंट की अभी काफी बड़ी खपत भी है। यूपी यहां से अन्य राज्यों को भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी आप इसको भेज सकते हैं, क्योंकि अब आज के दिन पे यूपी के अंदर रेलवे का सबसे बेहतरीन नेटवर्क है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरी तरह क्रियाशील होने के बाद यह संभावना और भी आगे बढ़ेगी। हाईवे और एक्सप्रेस वे का बेहतरीन नेटवर्क भी इसमें काफी मदद करेगा और यह यूपी के लिए मुझे लगता है कि किसी भी औद्योगिक समूह के लिए एक गोल्डन चांस में इसको कह सकता हूं कि उन्होंने इसका लाभ लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार उनको न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से बल्कि उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी आज के दिन पर दे रही है कि आप यूपी में किए गए निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि व्यवसाय की दृष्टि से यह उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इस ऑफ ग्रीन बिजनेस में भी जो हम लोगों ने प्रयास किए, निवेश मित्र पोर्टल आज के दिन पे देश का सबसे अधिक सेवा देने वाला एक सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म है। हमने अभी हम लोग जब भी औद्योगिक विकास विभाग इस महीने के अंत में करेगा इंसेंटिव वितरण के लिए एक बड़े कार्यक्रम को हम यहां पे आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए इंसेंटिव के उन प्रोडक्शन करने वाले औद्योगिक समूह को हम वितरित करने जा रहे हैं। लेकिन हमें आज भी इस दिशा में और भी बेहतरीन प्रयास करने चाहिए। एमओयू मॉनिटरिंग का प्लेटफॉर्म हो या इंसेंटिव वितरण का, हमें इसको और भी सरल करने के साथ ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मार्ग में जो कुछ भी बाधक है उन सभी को हमें दूर करना पड़ेगा, अधिक से अधिक निवेश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी का यह अवसर है। बड़ा निवेश का जो सबसे बड़ा बैकबोन होता है, कानून व्यवस्था अच्छी हो, लैंड बैंक हो और एमएसएमई का एक बेहतरीन आधार आपके पास हो, और देश के अंदर उत्तर प्रदेश अकेले ऐसे राज्यों में जिसमें सब कुछ आपको सस्ता मैन पावर भी मिलेगा, प्रदेश के अंदर बेहतरीन वर्क फोर्स भी आपको मिलेगी, एमएसएमई का बेहतरीन बेस भी आपको प्राप्त होगा, लैंड बैंक भी हमारे पास यहां मौजूद है, और साथ साथ हम लोगों ने इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म होने चाहिए थे वह भी यूपी के अंदर किया है। आज उसका परिणाम हमारे पास है और हम उसका लाभ यहां पे अपने निवेशकों को दे पाएंगे। मैं सिंघानिया ग्रुप से इस बारे में जरूर कहूंगा कि जैसे कानपुर में उन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए वहां पे काम कर रहे हैं। यूपी 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सुविधाओं का लाभ अगल बगल के राज्य भी अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अच्छे शिक्षा के केंद्र के लिए भी वे लोग लेते हैं। यूपी के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का कार्यक्रम या इस प्रकार के हॉस्पिटल्स जो बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दे सकते हैं, खासतौर पर बिहार के लिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी राज्य यूपी के अंदर अपने बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा की वजह से आते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर जो बड़े चिकित्सा संस्थान उन पर इसका काफी भार भी रहता है। बीएचयू है, एससीपीजीआई है, केजीएमयू है या अन्य हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक अवसर है इस फील्ड में भी हमें संभावना देखनी चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए हमारे अपने एक्ट है और हमने इस एक्ट के अंतर्गत उसमें और भी फ्रीडम दी है, या इस फील्ड में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को खोलने के लिए भी निजी निवेश उसमें आमंत्रित आप कर सकते हैं। इस दिशा में भी प्रयास कुछ हो सकता है। इस दिशा में भी अगर सिंघानिया ग्रुप आगे आना चाहेगा तो आपके पास एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जेके सीमेंट के इस प्लांट के अवसर पर आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से विश्वास व्यक्त किया है। यह निवेश आपका इस बात को प्रमाणित कर रहा है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी आपके साथ एमओयू में एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है
उसका अक्सर सा पालन भी होगा, आपका निवेश और आपको हर प्रकार की सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से महसूस होगा। मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों को और सिंघानिया ग्रुप को प्रयागराज में संगम नगरी में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर फिर से धन्यवाद देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कितने सकारात्मक कार्य हुए हैं, एक निवेश का माहौल बना है जिसके चलते कंपनीज के लिए अब उत्तर प्रदेश एक बड़ा इन्वेस्टिंग हब बन रहा है, और इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने कहा कि